जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों शाम के 3 बज चुके हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं डेली शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी का सेशन होता है। सो आज की क्लास में हम हिंदी के 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यह सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पुलिस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की एग्जाम डेट आ चुकी है, सभी लोग अब सिर्फ स्टडी पर फोकस कीजिएगा। हिंदी की स्पेशल क्लास शाम को 3 बजे होती है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी परीक्षा में, हमारा 37 का टारगेट है। इसके लिए डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। एग्जाम डेट आ चुकी है, अब आप लोग सिर्फ स्टडी पर फोकस कीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड आफ्टरनून। यह आज की क्लास में 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्लास को सभी ध्यान से देखिएगा। यस, परीक्षा तिथि आ चुकी है, अगस्त में परीक्षा होगी। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा होगी, सभी अब स्टडी पर फोकस कीजिए। यस, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सभी को। डेली क्लास होती है, सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों एक मुहावरा आपको दिया गया है, इस मुहावरे का बताइए सही अर्थ क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सभी टॉपिक से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए, डेली क्लास होती है शाम को 3 बजे, स्पेशल हिंदी क्लास है। चलिए इसका आंसर करिएगा, बताइए ईमान बेचना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा हूँ आप लोग आंसर करिएगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर है? डी इसका राइट आंसर है, अपने कर्तव्य से हट जाना, डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, वेरी गुड। इसी प्रकार से आंसर करिए, डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिए। 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी परीक्षा में, हमारा 37 का टारगेट है। सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, इससे बाहर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए, बताइए अंकुश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए अंकुश का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा हूँ आप लोग आंसर करिएगा। यस, अगर ऑप्शन में डी ना दिया जाए परीक्षा में, अगर ये प्रश्न पूछा जाए ऑप्शन नंबर डी ना दिया जाए, तब आप लोग उसे टिक कर सकते हो। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अंकुश का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नियंत्रण। क्या करेक्ट आंसर है? बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, अंकुश का पर्यायवाची शब्द होता है नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, वेरी गुड। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए, बताइए मुकुट का आपको बताना है किस प्रकार का शब्द है। मुकुट किस प्रकार का शब्द है, इसका आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए, गुड, वेरी गुड। दोस्तों अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी, लाइव सेशन होगा स्पेशल यूपी पुलिस के लिए, सभी लोग उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। शाम को 8 बजे जीके जीएस की क्लास होगी, 38 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाएंगे परीक्षा में, हमारा 38 का टारगेट है। इन सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए,
देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तत्सम शब्द। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मुकोटिक तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने हमें क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, तत्सम करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? इसका राइट आंसर बताइए, बताइए कव्वाली किस प्रकार का शब्द है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड, बी करेक्ट आंसर होगा, स्त्रीलिंग शब्द है। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा कव्वाली एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी भी उनका सही उत्तर है, स्त्रीलिंग करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या होता है? स्फूर्ति एक तत्सम शब्द है, परीक्षा में पूछा जाएगा। स्फूर्ति किस प्रकार का शब्द है? आप लोग याद रखिएगा एक तत्सम शब्द है, इसका बताइए तद्भव क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फूर्ति। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यस विक्रांत, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, स्फूर्ति का तत्सम होता है फूर्ति, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है फूर्ति। करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न इस प्रकार से है, आपको बताना है सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा होगा आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता उनको नोट डाउन कीजिए, कॉपी को साथ में रखिएगा, सभी लोग प्रश्नों को नोट डाउन करिएगा और फिर क्लास के बाद में रिवाइज कीजिए, इससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वात्सल्य रस का, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, जैसे आप लोग याद रखिएगा सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। या सुबह 7 बजे भी क्लास होगी, सुबह 7 बजे भी क्लास होगी मॉर्निंग में, उसके बाद 10 बजे क्लास होती है सुबह, उसके बाद ये 3 बजे वाली क्लास है और शाम को 8 बजे वाली क्लास, ये सभी क्लासेस होंगी। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, इस बार आप सभी को सिलेक्शन लेना है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, डी करेक्ट आंसर होगा सागर। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सागर एक पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, सागर करेक्ट आंसर होगा। कल से होगी क्लास, कल से होगी सुबह 7 बजे क्लास, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिएगा बाकी आशा, गर्मा, आज्ञा, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये भी आप लोग याद रखिए। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, री एग्जाम डेट आ चुकी है, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बताइए निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से अशुद्ध शब्द बताइए कौन सा है? लाइव क्लास होगी सुबह, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, आविष्कार अशुद्ध लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी सभी शुद्ध लिखे हैं, जो आविष्कार है ये अशुद्ध लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, ये लाइव सेशन है, अर्थ ये लाइव सेशन है, डेली होता है शाम को 3 बजे, डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अगस्त में है, री एग्जाम अगस्त में है, 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बंदर सभा किसकी रचना है? आपको बताना है बंदर सभा के लेखक कौन है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है बंदर सभा किसकी रचना है, लेखक बताइएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा जो बंदर सभा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। गुड इवनिंग सभी को, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या करेक्ट आंसर है? सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, बाकी सभी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए रात दिन में कौन सा समास है? इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए रात दिन में कौन सा समास है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है रात दिन में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द्वंद समास। यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, रात दिन में द्वंद समास है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए। एक वाक्य आपको दिया गया है, कोमद आकर चली गई, इसे आपको संयुक्त वाक्य बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोमद आई और चली गई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बताइए नस्वर का ब्लॉम शब्द क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बताइए नस्वर का ब्लॉम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शाश्वत। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, नस्वर का ब्लॉम शब्द होता है शाश्वत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चार ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। आप देखिए ऑप्शन इस प्रकार है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, बताइए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है, नहीं ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर होगा, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये सत्य नहीं है कथन,
यही करेक्ट आंसर है इसका, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, बाकी के तीन जो कथन है ये सत्य हैं, इनको आप लोग याद रखिए। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, कल से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, यह मेरी पतंग है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। वेरी गुड आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। गुड, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, फिर से आंसर करिएगा। यह पूछा गया है यह किस प्रकार का सरनाम है, ए करेक्ट आंसर होगा निश्चयवाचक है, यह निश्चय है कि मेरी पतंग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ क्या होता है, एक मुहावरा आपको दिया गया है, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तीन लोक से मथुरा न्यारी, इस मुहावरे का आपको बताना है सही अर्थ क्या होता है। ए करेक्ट आंसर होगा बहुत सुंदर होना, क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बहुत सुंदर होना सबसे निराला, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, अलग होने का बोध का कारक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अलग होने के बोध का कारक है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अपादान, क्या करेक्ट आंसर होगा, 20 का राइट आंसर होगा अपादान, अलग होने का बोध का कारक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने हम क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, पक्ष का अर्थ क्या होता है, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, बताइए पक्ष का अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, फिर से आंसर करिएगा, पक्ष का अर्थ पूछा गया है क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पंख और, क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा पंख और, पक्ष का अर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, हाथ को हाथ ना सूझना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, एक मुहावरा आपको दिया गया है, हाथ को हाथ ना सूझना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा घना अंधेरा होना, क्या करेक्ट आंसर है, सी इसका राइट आंसर होगा घना अंधेरा होना, हाथ को हाथ ना सूझना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का, पहले प्रश्न को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। प्रश्न इस प्रकार से है, हरियाणवी या बंगरू बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है, ये आपको बताना है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पश्चिमोत्तरी सौर सैनी अभ्रंश से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने हमें क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, बताइए प्राग ऐतिहासिक का अर्थ क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, प्राग ऐतिहासिक का अर्थ आपको बताना है क्या होता है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। गुड, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, लिखित इतिहास के पहले का, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने हम क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है, कठिन और सरल दोनों प्रकार के क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, उंगली उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, एक मुहावरा आपको दिया गया है उंगली उठाना, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्त की ओर संकेत करना, क्या करेक्ट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर है दोस्त की ओर संकेत करना। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, आपको बताना है दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली को क्या कहा जाता है, सभी इसका आंसर करिएगा, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम क्या है, ब्रज भाषा, पंजाबी, खड़ी बोली या फिर अवधी, सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, खड़ी बोली कहते हैं। क्या कहा जाता है? खड़ी बोली कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली को खड़ी बोली कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पृष्ठ पेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ पेशर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इनमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें तीन तद्भव शब्द हैं और एक तत्सम शब्द है। बताइए कौन तद्भव शब्द नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दीपावली। क्या करेक्ट आंसर है? बी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, दीपावली एक तद्भव शब्द नहीं है, एक तत्सम शब्द है। दिवाली तद्भव होता है, दीपावली एक तत्सम शब्द है। बाकी आप लोग याद रखिए, धरती, नेवला, नाच, ये सभी तद्भव शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, बताइए हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, हिंदी भाषा में बोलियां पूछी गई हैं। क्या पूछा गया है? हिंदी भाषा में बोलियां पूछी गई हैं। सी करेक्ट आंसर होगा 18। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 18 बोलियां हैं। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आपसे बोलियां पूछी गई हैं हिंदी भाषा में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 18 बोलियां हैं। सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दिनों का फेर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए दिनों का फेर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, सी करेक्ट आंसर होगा, भाग का चक्कर। क्या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, अंडे का सहजादा मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? 2 से 3 क्वेश्चन परीक्षा में मुहावरे संबंधित पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अंडे का सहजादा मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुभवहीन व्यक्ति। क्या करेक्ट आंसर है? डी इसका राइट आंसर होगा, अंडे का सहजादा मुहावरे का सही अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, बताइए बिहार की राजधानी पटना किस प्यारी बोली के क्षेत्र में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, एग्जाम डेट आ चुकी है, तो सभी आप स्टडी पर फोकस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का? इसका राइट आंसर आपको बताना है, सी करेक्ट आंसर होगा, मगही। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, मगही के अंतर्गत आती है, मगही बोली के अंतर्गत आता है पटना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुड इवनिंग, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, मगही करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। अभी अभी जन्म लेने वाला, बताइए उसे क्या कहते हैं? जिसने अभी अभी जन्म लिया हो, बताइए उसे क्या कहा जाता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा होगा, आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नवजात कहलाता है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, जिसने अभी अभी जन्म लिया हो उसे नवजात कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, नवजात करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। आप सभी की तैयारी अच्छी है, आपका सिलेक्शन होगा, निश्चिंत रहिएगा। जिसने डेली क्लास ज्वाइन की है, आप सभी की तैयारी अच्छी है, हिंदी में इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी तैयारी अच्छी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा इसमें? बी करेक्ट आंसर होगा, वसन। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है वसन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारा, 37 में 37 का टारगेट है, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड इवनिंग, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, बताइए भाषा संबंधी मूल को क्या कहते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है,
तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी को गुड इवनिंग, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भाषा संबंधी मूल को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, त्रुटि बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भाषा संबंधी मूल को त्रुटि कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, एक मुहावरा आपको दिया गया है, लोहे के चने चबाना, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। यस रोहन, पिछली बार जो अभी एग्जाम हुआ था फरवरी में, जितना आपको पढ़ाया गया था वहीं से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो फिर से पूछे जाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत कठिन कार्य करना। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत कठिन कार्य करना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न अभी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी भी आंसर सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, बताइए निम्न में से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डेली, लेकिन आपको क्लास ज्वाइन करने पड़ेगी, डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, सभी का सिलेक्शन होगा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा, जो हुआ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी कुछ भी, सब कुछ, कुछ ना कुछ, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न अभी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी ध्यान का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इन पंक्तियों में आपको बताना है कौन सा रस है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जाग उठा, बताइए निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत अच्छे, गुड, बी करेक्ट आंसर होगा, रौद्र रस है। कौन सा रस है, रौद्र रस है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी ध्यान का सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, ये जो स्पेस है बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए जो स्पेस है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। मेहनत करो उसके बाद स्पेस है, फेल हो जाओगे, तो बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, एक मुहावरा आपको दिया गया है, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। मुंह में पानी आ गया, बताइए मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लालच होना, लालची होना, सी करेक्ट आंसर होगा। मुंह में पानी आना मतलब लालची होना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। जो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा होती है उसे बताइए क्या कहा जाता है। सब जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। राजभाषा नहीं होगा, एक सीमित क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है स्थानीय भाषा, उसे बोली कहते हैं। क्या कहते हैं, बोली कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, या सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, केर बेर का संग होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, बताइए केर बेर का संग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ये हिंदी क्लास डेली शाम को 3 बजे होती है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, बताइए केरवेर का संग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना। क्या करेक्ट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है, तो आप लोग याद रखिएगा, केरवेर का संग होना मुहावरे का सही अर्थ होता है।
विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यस विकास, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड, अच्छा अब इसका आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रत्यय कहते हैं। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा उसके बाद आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना। निम्न में से कौन सी सही जोड़ी है, आपको सही जोड़ी को चुनना है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सम्राट, वेरी गुड, सभी जल्दी से आंसर करिए। पासवान गर्ल सीमा, कृष्णा, वेरी गुड, आप सभी करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रिंकू, संजय, अशोक, एन के, सोनू, प्रभसा, वेरी गुड, अशोक, प्रिया, राखी, बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा। चिदम्बरा के लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने हम क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, बताइए यातुदान का पर्यायवाची शब्द, आपको यातुदान के पर्यायवाची शब्द बताने हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राक्षस निशाचर, यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सभी इसका आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राक्षस निशाचर, या तो धान के पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सो कुमारी, वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। पहले क्वेश्चन को समझिए उसके बाद आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। मीडिया नवचिंतन कहां से प्रकाशित हुई, इसका राइट आंसर बताइएगा, भोपाल, सुपरी, नागौद या फिर सिडहौल, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भोपाल से, क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, मीडिया नवचिंतन भोपाल से प्रकाशित हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यस भोपाल करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। 19-20 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, माई, वेरी गुड, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 19-20 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुत कम अंतर होना, क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। मैंने आम खाया है, यह बाघ किस काल को प्रदर्शित करता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने आम खाया है, ये जो बाघ है किस काल को प्रदर्शित करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, भूतकाल को, क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा, भूतकाल को प्रदर्शित करता है, क्योंकि आम खा लिया है, मैंने आम खाया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने हम क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, आम खा लिया है इसीलिए मैंने आम खाया है, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, तो इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होता है। गुड आफ्टरनून, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, क्या पूछा गया है, अत्यधिक का संधि विच्छेद बताइए क्या होता है, आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अति धन अधिक, क्या करेक्ट आंसर होगा, बीस का राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, अत्यधिक का संधि विच्छेद होता है अति धन अधिक, तो ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, बताइए निम्न में से अव्यय है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन अव्यय है, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है ये, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आह अव्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने हम क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, देवर का आपको तत्सम बताना है, देवर एक तद्भव शब्द है, देवर किस प्रकार का शब्द है, तद्भव शब्द है,
इसका तत्सम बताइए क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आंसर सभी लोग दीजिए राइट अराउंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा द्विवर। क्या करेक्ट आंसर होगा? बीस का राइट आंसर होगा देवर। एक तत्सम शब्द है, इसका तत्व होता है देवर। तो ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। प्रत्यय रहित बताइए शब्द इसमें कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइए कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी करेक्ट आंसर होगा अनुवाद। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है अनुवाद। एक प्रत्यय रहित शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है अनुवाद। करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या होता है? छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यस माई, कल की क्लास में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बी करेक्ट आंसर होगा हराना। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है हराना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो किस प्रकार का वाक्य है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। सरल बात कैसे है? फिर से बात को पढ़िए ध्यान से, उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुड, सी करेक्ट आंसर होगा संयुक्त वाक्य। किस प्रकार का वाक्य? संयुक्त वाक्य, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है, आज गणित के अध्यापक कक्षा में नहीं आए या कक्षा नहीं ली। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य है। बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कक्षा नहीं ली तो निषेध हुआ। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है, किस प्रकार की रचना शैली है, ये आपको बताना है। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑल करेक्ट आंसर नहीं है इसका। ए करेक्ट आंसर होगा दोहा चौपाई शैली है। किस प्रकार की शैली है? दोहा चौपाई शैली है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रामचरितमानस के अगर पूछा जाए लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा, तुलसीदास जी ने लिखा है इसको, और अवधि भाषा में लिखा गया इसे। इसका आंसर ही करेक्ट होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव की आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव की भाववाचक संज्ञा बताइए क्या होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मानवता। क्या करेक्ट आंसर है? बी इसका राइट आंसर होगा, मानव की भाववाचक संज्ञा मानवता होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बरेली व पीलीभीत में बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है, ये आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बरेली व पीलीभीत में बोली जाती है कौन सी बोली, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। ए करेक्ट आंसर होगा ब्रज और कन्नौजी। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। बरेली व पीलीभीत में ब्रज कन्नौजी बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ब्रज कन्नौजी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है, निम्न में से शुक्ल का विलोम क्या है? आपको शुक्ल का विलोम बताना है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शुक्ल का विलोम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण, या बी करेक्ट आंसर होगा, शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है या नहीं, तो आप लोग याद रखिएगा इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किस रचना पर मिला है, हिम तरंगिनी बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, इस बार बी करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हिम तरंगिनी किसकी रचना है, तो आप लोग याद रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी की, बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, बताइए निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, चार ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा निद्रा, एक तत्सम शब्द है, बाकी कान बंदर मोर ये सभी तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसे क्या कहते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, कल्पनाशील, दूरदर्शी, कनिष्ठ या फिर वरिष्ठ। बी करेक्ट आंसर होगा दूरदर्शी, क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, बताइए पीठ ठोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, मुहावरा आपको दिया गया है पीठ ठोंकना, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा बढ़ावा देना, क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा पीठ ठोंकना मुहावरे का सही अर्थ होता है बढ़ावा देना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, इस पर आप सभी के राइट आंसर है, वेरी गुड दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने हिंदी के 60 क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होगी शाम को 3 बजे, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, टाइम को याद रखिएगा, शाम को 3 बजे आपकी क्लास होगी। 37 क्वेश्चन हिंदी पूछे जाएंगे परीक्षा में, हमारा 37 का टारगेट है, बहुत अच्छे विकास, वेरी गुड, अच्छा स्कोर है, यस राखी, सभी डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, टाइम को याद रखिएगा, जीके जीएस की क्लास होगी शाम को 8 बजे, उसे भी ज्वाइन कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में, क्लास पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। काजल वेरी गुड, अच्छा स्कोर है, यस कब तक, कल की क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।